बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है। हमेशा हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर रहने वाले दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल को लेकर बड़ा बयान दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले दिए गए इस बयान को काफी गंभीरता से देखा जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि अगर एमपी में सरकार बनती है तो फिर कांग्रेस बजरंग दल को बैन नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर कोई फसाद कराता है तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। ये तय प्रदेश इलेक्शन कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी स्क्रीनिंग कमेटी तय करेंगे, ठीक है। देखिए बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। सर, बीजेपी आरोप। इससे पहले जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव था तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन करने का दावा किया गया था। हालांकि बाद में कांग्रेस को इस पर यू टर्न लेना पड़ा था। फिलहाल एमपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है। पार्टी ये नहीं चाहती कि किसी तरह का धार्मिक फायदा बीजेपी को मिले, और यही वजह है कि दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल पर यह बयान देकर पार्टी का स्टैंड एक तरह से साफ कर दिया है। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।